अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेवल टू हील, एंजॉय फूड, हैव फन। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत सिंपल जस्ट कढ़ाई गोश्त। आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हमने जो मीट है वो कढ़ाई गोश्त इसको बनाना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो मीट है गोश्त है गॉट मीट, इसको मैंने जो है वो छोटे छोटे पीसेस में करके, बहुत ज़्यादा बड़ों में नहीं, ताकि मसाला अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो मैंने इसको मैरिनेशन के लिए सिर्फ मैंने जो है वो गार्लिक लगा के, तो मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तो अभी अभी ये जो मैरिनेट हो गया है, तो आप इसको 45 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा या 1 आवर या इससे भी मतलब थोड़ा ज़्यादा अगर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो लेकिन मैंने इसको 45 मिनट के लिए रखा है। तो अभी जो है हम इसको सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल लेंगे, ऑलिव ऑयल या जो भी आप ऑयल यूज करते हैं कोई सा भी। तो अभी हम सबसे पहले इसको जो ऑनियंस हैं, आपने 2 बड़े बड़े ऑनियन लेने हैं। अगर आपका मीट जो है 1.5 kg होगा तो इसके लिए आपको 2 बड़े बड़े ऑनियंस चाहिए होंगे, या 3 मीडियम। तो सबसे पहले हम जो ये ऑनियन हैं इनको ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो है टमाटो, सब्ज़ मिर्च और अदरक और लहसुन एंड हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ और योगर्ट जो है वो आपको हाफ या 1 जो वो कौली इतनी सी मतलब चाहिए होगा, लाइक 6 और 5 टीस्पून, और सॉल्ट, सूखा हुआ धनिया, क्रेस्ट सुरख मिर्च, हल्दी और रेड किसी मिर्च। तो अभी हम ये जो ऑनियन है उनको ब्राउन कर लेंगे हल्का सा। हाँ जी, तो अभी जो हमारे ये ऑनियन है ये ब्राउन हो गए हैं, तो अभी हम इसमें जो है वो मीट जो है इसको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, नेक्स्ट हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपने जो स्टोव है हाई फ्लेम पर रखना है ताकि जो वाटर है और मीट अच्छी तरह से हम फ्राई कर सकें, भून सकें और जो वाटर ड्राई हो जाए। तो इसके लिए अभी हमने जो है वो 2-3 जो ये दालचीनी है हमने ये डालनी है, और 4 और 5 लौंग ये डालनी है, और मोटी जो इलायची है ये जस्ट 2 आपने ये
सब्जी डाल देनी है। देखिए मीट जैसे हमारा ऐसा सा ब्राउन हो गया। और अभी हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट और थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक ये डाल देंगे। और अभी आपने इसमें ये जो योगर्ट है फिर ये डाल देंगे। ये डाल के तो आपने जो है ये जो स्पाइस है मैंने आपको जो बताया तो नमक सूखा धनिया क्रश सुरख मिर्च हल्दी और सुरख मिर्च इसी भी इसको डाल के तो अभी हम जो इसको थोड़ा सा इसमें हम लेने का रस वो डाल देंगे। लाइक हाफ टी स्पून लेमन का रस आपकी मर्जी। अगर आपने ज्यादा स्पाइसी बनानी हो तो इससे भी ज्यादा थोड़ी सी स्पाइस ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपने लाइटली मतलब ज्यादा स्पाइसी नहीं बनानी हो तो फिर आप कम स्पाइस डाल लें। तो अभी जो हम इसमें वाटर डाल के तो इसके मीट के जो है वो सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। अभी हम इसको मीडियम हीट पे मीडियम फ्लेम पे इसको हम अभी रख देंगे। तो देखिए हमारा जो मीट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया और जो वाटर है जो थोड़ा सा बस लेफ्ट है। तो अभी हम इसमें जो है ये टमाटर ये डाल देंगे क्योंकि टमाटर भी जो है ये अपना पानी छोड़ते हैं। तो अभी हम इसको फिर से जो है वो डाल के रख देंगे और वाटर के ड्राई होने का वेट करेंगे। तो देखें अभी हमारा जो है जो ये भी रेडी है। मीट भी जो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। देखें कैसे टूट रहा है। देखें देखें तो अभी हम जो इसमें हरी मिर्च वो डालेंगे। और अगर आपने जो है वो लंबा लंबा सा करके छोटा सा गार्लिक डालना हो तो वो भी डाल लें। लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चे खा नहीं सकते। और इसके साथ आप जो है वो
पुदीने, देखे जबरदस्त मिल गई है, देखे कैसे नीचे उठ रहा है, देखे आपने इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मीट में जो ज़्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती, मीट जो है वो खुद ही ऑयल छोड़ता है। तो देखें जबरदस्त है हमारी कढ़ाई गोल रेडी है। तो ओके, जो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। ट्रैवल टू हील, हील के स्पेल हैं HEAL, हील, हील नहीं हील। ओके, तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।